जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी में प्लास्टिक की थैलियां ना इस्तेमाल करने को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने विभिन्न साथियों के साथ जनता को जागरूक करते हुए नजर आए। पिछले 15 दिन में पूरे जम्मू शहर में यह आह्वान किया जा रहा था कि जो पॉलीथीन है 120 माइक्रोन के नीचे वाला, उसको हमने इस्तेमाल बंद करना है। तो आज 1 मार्च के बाद हमने कहा था कि अगर कोई इसको इस्तेमाल करता हुआ देखा गया तो उसको 5,000 रुपये का फाइन होगा। तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक हमने ड्राइव रखी है कि सबको एक बार फिर हम आह्वान कर रहे हैं कि अपने जम्मू शहर को साफ रखने के लिए और पॉलीथीन फ्री करने के लिए सबको सहयोग करना होगा और इसका इस्तेमाल बंद करना होगा। इसके लिए सेलुलोज के हमारे पास बैग्स हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े के बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी हम इनको देने वाले हैं। और पूरे जम्मू शहर में सबका सहयोग मिल रहा है कि जैसे हमारे केंद्रीय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार इसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है काफ़ी पहले से, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब करवा रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा है इससे। और सभी चाहते हैं कि जम्मू अगर अच्छा शहर बने और ये जो हमारा प्लास्टिक है इससे हमें कैंसर भी होता है, एनिमल्स भी मर रहे हैं और पूरी नदी नाले हमें इससे भर गए हैं, इससे हमें निजात मिली। सभी जम्मू शहर में दौरा कर रहे हैं, सब्जी मंडी में, पुरानी मंडी, तिलक बाज़ार, रघुनाथ बाज़ार, सुपर बाज़ार, जानीपुर, तालाब किलो, पाटा, बोड़ी, हर जगह हम चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छी तरीके से पहले आह्वान करें और उनको जागरूक करें और उसके साथ साथ में उनके सहयोग के साथ ये इस पर प्रतिबंध लगे। श्री कुमार शर्मा, सब्जी मंडी का मैं आर्डर का काम करता हूँ। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया राजेंद्र शर्मा जी ने, जो मेयर नए आए हैं हमारे, बहुत ही अच्छा स्टेप है। जैसे ये लोगों को अपील कर रहे हैं, मेरे ख्याल में लोग समझना स्टार्ट हो गए। पॉलीथीन जो है वो हमारे लिए तो ख़राब है ही है, जानवरों के लिए भी ख़राब है। इनका जो स्टेप है बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं लोग ऐसे ही लफाफों के बारे में, अभी दूसरे लफाफे आ रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी अपील करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सा लफाफा आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टेप है म्यूनसिपलिटी का। GMC के अफसर सारे आए हैं, डॉक्टर विनोद जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, चेयरमैन जी हैं, ये सभी अफसर हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरी शक्ति से करना पड़ेगा। सर, मेरा नाम अंकुर आनंद, जनरल सेक्रेटरी जम्मू वेहीकल फूड एसोसिएशन का। जो आज जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने एक स्टेप उठाया है कि से नो टू पॉलीथीन बैग्स, हम उसके बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव करते हैं, बहुत अच्छा स्टेप चुका है। बट इसके लिए हमें पहले थोड़ा इनसे कुछ एक तो बात पूछनी है कि जो पहले बाहर से आ रहे हैं लिफाफे, उनको सर हम कैसे रोकेंगे? जो जैसे ये गोभी के लिफाफे बाहर से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स करेंगे रोकने के लिए? इन सबको हम ऑप्शन देने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि आपका हमने काम बंद करना है। जी, इस तरीके से करना है कि आपके व्यापार में कोई बाधा ना आए और साथ में हमारा जम्मू शहर भी साफ साफ है। हमारे पास ऑप्शन है कि सेलुलोज के वो होते हैं, पेपर होते हैं, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो 35 दिन के बाद डिग्रेड हो जाता है, इनके ख़त्म हो जाएगा वो प्लास्टिक का नहीं बना होता, उसमें प्लास्टिक होता ही नहीं है। और भी बाकी हैं आपके पास, जूट बैग का है, पेपर बैग का है, और ऑप्शन के साथ साथ में हमने आप सबके सहयोग के साथ इसको जम्मू से बाहर निकालना है। सर, हम आपके साथ फुल कॉपरेशन है इस बारे में, अगर कोई जम्मू को स्मार्ट बनाने में अगर हम आपके साथ तो हम उस पर इनिशिएट पहले करेंगे, बट थोड़ा हमें भी थोड़ा आपके साथ थोड़ा टाइप करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। मैं मीटिंग भी कॉल करने वाला हूँ और आपको पूरी वहाँ मैं ऑप्शन भी बताऊँगा हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि हमें फाइन करना हमारा मकसद नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, हमारा मकसद है कि ये चीज़ हम अपनी पार्टिसिपेशन के साथ खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसे ही लिफाफे लेके जाओ, बहुत बड़ा सब कुछ आएगा। ये तो Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.